नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में अपन करेंगे मनोविज्ञान के 700 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें दोस्तों जो पहली सीरीज है उसमें अपन 365 प्रश्न है वो दोस्तों तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में आए हुए प्रश्न है वो हल करेंगे। 365 प्रश्न, सभी टॉपिक समाहित है दोस्तों। मनोविज्ञान बाल विकास के जितने भी टॉपिक है सारे समाहित हैं 365 प्रश्नों में। उसके पश्चात दोस्तों अपन करेंगे लगभग 250 के लगभग प्रश्न बाल विकास यूनिट और अधिगम यूनिट के, तो वो प्रश्न दोस्तों लास्ट में वीडियो के जैसे 365 प्रश्न कंप्लीट होंगे उसके जस्ट पश्चात दोस्तों बाल विकास यूनिट है उसके और अधिगम के प्रश्न रहेंगे। तो इस क्लास को आप इंजॉय कीजिए। आपको कितने प्रश्न आए नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन करेंगे मनोविज्ञान व बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये दोस्तों 365 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 के प्रश्न हैं। इस कड़ी में दोस्तों यानी आज अपन 60 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हल करेंगे व्याख्यात्मक दृष्टि से। आपको करना क्या है, यहाँ पर लाइव का ऑप्शन है, आप लाइव में उत्तर देते जाना, फिर मिलान करना आप 60 में से कितने सही कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये रीट, सीटेट, केवीएस, आरपीएससी, DSSSB सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने को मजबूर नहीं कर सकते, यह कहावत उदाहरण है सीखने की बुद्धि का, सीखने के प्रति सजगता का, सीखने के प्रति प्रभाव का, सीखने की रुचि का। तो दोस्तों सीधा सा है, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं लेकिन उसे पानी पिला नहीं सकते। वही बात है, एक बच्चे को आप कक्षा में घिस कर ला सकते हैं लेकिन उसे सिखा नहीं सकते, तब तक नहीं सिखा सकते जब तक कि वो सीखने के लिए तैयार नहीं है। मतलब ये तत्परता का नियम है। थॉर्नडाइक महोदय ने दोस्तों 8 नियम बताए थे टोटल, 3 महत्वपूर्ण नियम और 5 गौण नियम बताए थे। 3 महत्वपूर्ण नियम है, उनमें दोस्तों तत्परता का नियम है वो एक है, ठीक है, जिसमें पहला अभ्यास का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। 3 ये बताए थे दोस्तों और 5 गौण बताए थे, कुल 8 बताए थे, मुख्य 3, गौण 5, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, उक्त कथन थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो दोस्तों सीधी सी बात है, किसी क्रिया को आप बार बार करोगे, बार बार करोगे, बार बार करोगे, बार बार करोगे, मतलब अभ्यास। तो ये अभ्यास का नियम है दोस्तों, यानी किसी क्रिया को बार बार अपन करते हैं तो उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, यानी उस क्रिया को अपन सीख जाते हैं, समझ गए बात आप। तो ये अभ्यास का नियम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सारे आपको क्लियर कर देता हूँ। तत्परता का नियम, तैयारी वाला नियम जो मैंने बता दिया, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को आप तब तक नहीं सिखा सकते जब तक कि वो सीखने के लिए तैयार नहीं है। जिस प्रकार एक घोड़े को आप पकड़कर पानी तक ले जा सकते हो लेकिन पानी तब तक नहीं पिला सकते जब तक कि वो पानी पीने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह से दोस्तों दूसरा प्रभाव का नियम बताया। प्रभाव का नियम ये कहता है कि कोई आप कार्य करते हैं उसका आपको रिस्पॉन्स कितना मिलता है, आप उससे प्रभावित कितने होते हैं, या मोटे तौर पर आपको मैं सीधे डायरेक्ट बोलूं तो उससे आपको परिलाभ या लाभ कितना होता है। जितना आपको लाभ होगा उतना आप सीखेंगे, यानी जिस चीज़ से आप जितना प्रभावित होंगे उतना आप सीखेंगे। ये प्रभाव का नियम है, अभ्यास का नियम मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। बहुप्रतिक्रिया का नियम दोस्तों बार बार करने वाले इसी नियम से संबंधित है, अभ्यास का नियम है बार बार करना। वैसे दोस्तों बहुप्रतिक्रिया का नियम एक प्रतिक्रिया को बार बार दोहराने से है। नेक्स्ट है दोस्तों 3 नंबर, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, एक प्रतिक्रिया का नियम निम्नलिखित सीखने का नियम नहीं है, यानी इनमें से सीखने का नियम कौन सा नहीं है? अभ्यास का नियम, तैयारी का नियम, अभिप्रेरणा का नियम, प्रभाव का नियम। तो सीधी सी बात है दोस्तों अभिप्रेरणा का कोई नियम है ही नहीं, मैंने शुरू में ही आपको बता दिए थे। 4 नंबर प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, प्रयत्न एवं त्रुटि
अधिगम किसने दिया, यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी ये लर्निंग की, थोरनडाइक, इवान पेट्रोविच पावलो, गिलफोर्ड या कोहलर। तो दोस्तों ट्रायल एंड एरर ये थ्योरी दी थी दोस्तों थोरनडाइक महोदय ने। थोरनडाइक महोदय ने दोस्तों प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दिया। इसमें इन्होंने क्या किया था दोस्तों, एक भूखी बिल्ली को दोस्तों पिंजरे में बंद कर दिया था। पिंजरे में दोस्तों यहाँ पर एक दरवाजे पर लीवर लगा था और ऊपर दोस्तों भोजन का सिस्टम था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बिल्ली जैसे ही इस पर पंजा रखती, पंजा रखने के बाद दोस्तों यहाँ से भोजन या मांस का टुकड़ा एक ही बात है यहाँ गिर जाता। या दोस्तों ऐसे भी मान सकते हो आप, सामने कांच का ऐसे मिरर लगा हुआ था, कांच का शीशा लगा हुआ था, ठीक है, उसमें दोस्तों इधर इसको ये दिखाई दे रहा था मांस का टुकड़ा, ठीक है। और अब इसकी भूख बढ़ गई कि सामने मांस का टुकड़ा है, बिल्ली उछल कूद करती है यहाँ पर अंदर ही अंदर, ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि, ठीक है, बार बार वो घूमती है, उछलती कूदती है, अचानक उसका स्लीवर पर पैर पड़ जाता है। पैर पड़ने पर दोस्तों गेट खुल जाता है, बिल्ली आकर के यहाँ पर रखा मांस का टुकड़ा है वो खा लेती है। इसी तरह से दोस्तों बार बार बिल्ली को अंदर बंद किया गया। एक दिन क्या हुआ कि बिल्ली इसके ऊपर तुरंत अंदर घुसने के बाद जैसी भूख लगती है इसलिए ऊपर पैर रखती है, बाहर जा करके वो मांस का टुकड़ा है वो खाकर अपनी भूख शांत कर लेती है, यानी प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। ये है दोस्तों प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 5 नंबर, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयुक्त कौन सा है, यानी उपयोगी सिद्धांत कौन सा है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है, थोरनडाइक का सिद्धांत, थ्रस्टन का सिद्धांत, कोहलर मोदे का सिद्धांत या हल का सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों, धीमी गति से जो बच्चे सीखते हैं ना उनके लिए दोस्तों थोरनडाइक का जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है ये, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न है, शिक्षक अपनी संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंडों में अधिगम के किस नियम पर, मतलब छोटे छोटे खंडों में तोड़ करके पढ़ाता है या अध्यापन करवाता है, बताइए। शिक्षक अपनी संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंड में अधिगम के किस नियम पर यह आधारित है, यानी छोटे छोटे खंडों में बांटना, आंशिक क्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आंशिक क्रिया का नियम हो जाएगा इसका, यानी अंशों में बांटना, ठीक है। मानकर चलिए दोस्तों आप एक लेसन पढ़ा रहे हैं, वो लेसन बहुत टफ है, तो इस लेसन को आप ऐसे कीजिए ना, इसके कई भाग बना लीजिए, कई पार्ट बना लीजिए, 5-4 पार्ट बना लीजिए, फिर उसको आप पार्टों में पढ़ाइए उस चीज को, छोटे छोटे खंडों में बांट करके अधिगम करवाइए बच्चों को, अधिगम होगा अच्छे से। इसी तरह से आप कोई चीज पढ़ रहे हैं वो आपके याद नहीं हो रही, आप लर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको पार्टों में डिवाइड कर लीजिए, डेफिनेटली वो आपके याद होगी। तो यही है दोस्तों आंशिक क्रिया का नियम, अंशों में बांट लेना। 7 नंबर है दोस्तों, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, आंशिक क्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत है ये दोस्तों बहुप्रतिक्रिया नियम पर आधारित है, मैंने ऊपर बता भी दिया था आपको, यानी बार बार करना है अभ्यास एवं त्रुटि, बार बार अभ्यास करना, बार बार गलती करना बहुप्रतिक्रिया का नियम है, यानी प्रतिक्रिया को दोहराना, एक क्रिया को बार बार दोहराना, फिर वो क्रिया है वो सुदृढ़ हो जाएगी आपकी, यही है बहुप्रतिक्रिया का नियम। और ये दोस्तों किस सिद्धांत पर आधारित है, थोरनडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, शिक्षक को ज्ञात से अज्ञात की ओर के आधार पर अध्यापन करवाना चाहिए अधिगम के किस नियम पर आधारित है, शिक्षक को ज्ञात से अज्ञात की ओर के आधार पर अध्यापन करवाना चाहिए, आंशिक क्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, आप एक क्लास में जाते हैं, आप शुरुआत करते हैं उस चीज से जो बच्चे जानते हैं, आप क्लास में गए, क्लास में जाकर आपने कोई ऐसी चीज शुरू कर दी जिसके बारे में बच्चे बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, तो आप वहां बस बोलकर आ जाओगे, बताकर आ जाओगे, बच्चों के पल्ले तो कुछ पढ़ना नहीं है। लेकिन आप कोई ऐसी चीज बताते हैं बच्चों को जो बच्चे पहले से जानते हैं, यानी ज्ञात है बच्चों का,
बच्चों को ज्ञात है वो चीज़, फिर धीरे 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 आप अज्ञात की ओर ले जाते हैं, उससे संबंध स्थापित करते हैं, फिर बच्चों के वो कोरिलेट से संबंध कोरिलेट करने के बाद बच्चों के समझ में आ जाएगी। ये ज्ञात से अज्ञात की ओर नियम, ये है दोस्तों आत्मीकरण का नियम। ठीक है, आत्मसात करना, आत्मीकरण करना, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, टंकण कार्य या कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, यह किस सिद्धांत के अनुसार? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी टंकण कार्य या कंप्यूटर पर यदि आप निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के आधार पर, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के आधार पर, बांडूरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार, या थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार। तो सीधी सी बात है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट है 10 नंबर, मैं अपनी चाबियां मेरे टेलीफोन के पास खूंटी पर टांगता था, अब मैंने चाबियां रखने की जगह बदल दी, फिर भी मैं चाबियां लेने खूंटी के पास जाता हूँ, यह उदाहरण किसका है? अनुबंधन का, प्रयत्न एवं भूल का, लापरवाही का, या अभिप्रेरणा का? तो दोस्तों सीधी सी बात है, आप जिस जगह हमेशा चाबी रखते हैं उस जगह से आपने स्थान बदल दिया और आपका हाथ वहीं जाता है, तो ये दोस्तों अनुबंधन का एग्जाम्पल होगा। किसका एग्जाम्पल है? अनुबंधन का। कैसे? जैसे इवान पेट्रोविच पावलोव ने दोस्तों घंटी बजाई, घंटी की आवाज़ सुनकर कुत्ते ने लार टपकाई, क्योंकि घंटी की जैसे ही आवाज़ आएगी भोजन आएगा, अनुबंधन स्थापित था कुत्ते का घंटी के साथ, जैसे ही घंटी बजेगी भोजन आएगा। लेकिन दोस्तों इवान पेट्रोविच पावलोव ने एक दिन क्या किया, घंटी बजा दी, भोजन दिया ही नहीं, और कुत्ते ने लार स्त्रावित कर दी घंटी बजते ही, मतलब उस घंटी के साथ उसका संबंध स्थापित हो गया। वैसे ही आपका उस जगह के साथ संबंध स्थापित हो गया, अनुबंधन स्थापित हो गया कि मैं चाबी हमेशा वहीं रखता हूँ, वहीं आपका हाथ गया, तो यह अनुबंधन का उदाहरण है। 11 नंबर है, अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है अभिप्रेरणा का, शिक्षण का सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत, या अधिगम का सिद्धांत? तो सीधी सी बात है दोस्तों, अनुबंधित प्रतिक्रिया का सिद्धांत है ये, किसका है? अधिगम का सिद्धांत। 12 नंबर है, आईपी पावलोव ने प्रयोग किया चूहे पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर, या बंदर पर? तो इवान पेट्रोविच पावलोव ने दोस्तों कुत्ते पर प्रयोग किया था, ये ऋषि चिकित्सक से दोस्तों, पेशे से चिकित्सक थे। ठीक है, इवान पेट्रोविच पावलोव। नेक्स्ट देखिए, एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर भयभीत हो जाता है क्योंकि उसके पूर्व के अनुबंधन में डॉक्टर का इंजेक्शन की सुई दिए जाने का संबंध है, ये किस किस किसका उदाहरण है? प्राचीन अनुबंधन का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, प्रयत्न एवं त्रुटि का, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर ही भयभीत हो जाता है क्योंकि उसके पूर्व अनुभव में डॉक्टर का इंजेक्शन की सुई दिए जाने से संबंध है, यह किसका उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, एक बच्चा है, जैसे ही डॉक्टर दिखाई दिया घर में, देखते ही वो भाग रहा है या रो रहा है, मतलब इस तरह की प्रतिक्रिया वो कर रहा है क्योंकि उसको पता है डॉक्टर आ गया, तेरे सुई लगाएगा। लेकिन डॉक्टर स्वाभाविक कोई काम ही आया हो चाहे घर, लेकिन बच्चे ने तो सोच लिया कि तेरे सुई लगाएगा। तो ये अनुबंधन का है दोस्तों, और अनुबंधन किस सिद्धांत का उदाहरण है? प्राचीन अनुबंधन। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इवान पेट्रोविच पावलोव, जैसे घंटी बजाते कुत्ते का लार स्त्रावित करना। 14 नंबर है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक अधिगम का एक अधिगम प्रतिक्रिया का कर्मिक लुप्त होना क्या कहलाता है? विलोपन, सामान्यकरण, विभेदन, या अनुबंधन? तो दोस्तों सीधा सही है, सामाजिक अधिगम का एक अधिगम प्रतिक्रिया का कर्मिक लुप्त होना क्या कहलाएगा? स्वाभाविक सा विलोपन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विलोपन। ये दोस्तों टर्म्स हैं, बाद में आपको कभी थ्योरी करवाएंगे तब बताएंगे। 15 नंबर देखिए, क्लासिक अनुबंधन में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया है, UCR, CR, CR, या UCR? तो देखिए दोस्तों, क्लासिकल अनुबंधन इवान पेट्रोविच पावलोव वाली थ्योरी है, उसमें दोस्तों भोजन के प्रति लार देना UCR है। क्या है? UCR, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। यहाँ दोस्तों एक चीज़ समझना, थोड़ी सी चीज़ समझनी है। देखिए, एक तो आता है दोस्तों CS, ठीक है, एक आती है CR, एक होता है दोस्तों UCS, एक होती है UCR। अब देखना थोड़ा सा, CS यानी कंडीशनल स्टिमुलस, यहाँ पर घंटी होगी दोस्तों, ठीक है, कंडीशनल रिस्पॉन्स, ये लार होगी दोस्तों, ठीक है,
यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस यहाँ पर भोजन होगा, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यहाँ पर लार हो जाएगी। यानी दोस्तों भोजन के बाद जो लार दी जाती है वो क्या है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। और दोस्तों घंटी के बाद जो तो लार दी जाती है वो कंडीशनल रिस्पॉन्स है। तो ये थोड़ी सी आपको टर्म्स ध्यान रखनी है यहाँ पर। तो देखिए भोजन के बाद लार आने की प्रतिक्रिया अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, मैंने बता दिया आपको यू सी आर है। और दोस्तों अनुबंधित या स्वाभाविक अनुक्रिया जबकि प्रयोग के अंत में घंटी बजने के बाद लार आना अनुकूलित अनुक्रिया या कंडीशनल रिस्पॉन्स है। तो ये बात आपको ध्यान में रखने के भी थ्योरी करवाएंगे तब और समझा देंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, न्यूटन ने वृक्ष से सेब के नीचे गिरते देखा और अचानक उसे गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की, यह उदाहरण है। यानी न्यूटन ने वृक्ष से सेब के नीचे मतलब सेब को नीचे गिरते देखा और अचानक उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज कर दी, यह उदाहरण किसका है, अंतर्दृष्टि का, चिंतन का, अभिप्रेरणा का या प्रेरणा का। तो दोस्तों सीधा सही है, ये अंतर्दृष्टि का, इनसाइट का, सूझ का मतलब उदाहरण है। नेक्स्ट है कोहलर का अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, पुनर्बलन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो दोस्तों कोहलर का अधिगम सिद्धांत है वो अंतर्दृष्टि, इनसाइट या सूझ का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने दोस्तों सुल्तान नामक चिंपेजी पर प्रयोग किया था। 18 नंबर है दोस्तों, गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक हैं स्किनर, वर्दिमर, पावलोव या फ्राइड। तो दोस्तों गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन है, इसका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्दिमर। ध्यान रखना गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक दोस्तों वर्दिमर है, कोहलर और कोप का दोस्तों सहयोगी, और वर्दिमर दोस्तों जर्मनी के हैं। नेक्स्ट देखिए, जर्मनी के मतलब इनका देश जर्मनी से संबंधित है। नेक्स्ट है सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे, संरचनावादी, व्यवहारवादी, गेस्टाल्टवादी या प्रकार्यवादी। तो दोस्तों सूझ का सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सूझ का सिद्धांत इनसाइट थ्योरी देने वाले गेस्टाल्टवादी थे। गेस्टाल्टवाद में वर्दिमर, कोफका, कोहलर इनका नाम आता है, ठीक है। 20 नंबर है अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर या पावलोव। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोहलर, ठीक है। नेक्स्ट है सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है, संरचनावादी, व्यवहारवादी, गेस्टाल्टवादी या मनोविश्लेषणवादी। तो ये किसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गेस्टाल्टवादियों की देन है सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किसने दिया। दोस्तों ये प्रश्न आए हुए हैं इसलिए रिपीट हो रहे हैं, आप सोच रहे हो बार बार कैसे आ रहे हैं, क्योंकि आए हुए हैं हर एग्जाम में तो उस तरह से टाइप किए गए हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किसने दिया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्दिमर, कोहलर, कोप का। तो यहाँ उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है किसी विशेष भाग के आधार पर, समग्रता के आधार पर, कुछ भागों के आधार पर या आवश्यकता के अनुस्वरूप। तो दोस्तों गेस्टाल्ट का अर्थ ही दोस्तों समग्र होता है, तो समग्रता के आधार पर देखता है, ठीक है। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है दोस्तों जिसका अर्थ होता है समग्र या पूर्ण। अब देखिए दोस्तों आपका मैं प्रस्पेक्टिव करता हूँ, प्रत्यक्षीकरण करता हूँ। जैसे ये मैंने डॉट डॉट बनाए, ये कुछ नहीं है, डॉट डॉट है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से मैंने डॉट डॉट बना दिए, थोड़े गहरे और बना देता हूँ इनको। मैं आपसे मैं पूछता हूँ ये क्या है, तो आप बताओगे आयत है या ईंट जैसी आकृति है, इस तरह से बता सकते हो आप, क्योंकि आप इसको पूर्ण रूप में देखते हो दोस्तों, बाकी ये तो डॉट डॉट है, मैं से बोलूँगा आपको। इस तरह से मैंने दोस्तों एक ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे बना दिया त्रिभुज जैसा, आपसे मैं पूछता हूँ कि ये क्या है, तो आप बोलोगे त्रिभुज है, आप ऐसे नहीं बोलोगे डॉट डॉट है या बिंदु से दिखाई दे रहे हैं, आप बोलोगे त्रिभुज है। तो इस तरह से दोस्तों समग्र रूप में अपन प्रत्यक्षीकरण करते हैं, ठीक है, पर्सपेक्टिव करते हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर चिंपेजी पर प्रयोग किसने किया, वॉटसन, फ्राइड, कोहलर या कुर्ट। तो दोस्तों चिंपेजी, सुल्तान नामक चिंपेजी पर दोस्तों कोहलर ने किया था अंतर्दृष्टि या सूझ वाला, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 25 नंबर,
अधिगम का उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद सिद्धांत किसने दिया? थोरनडाइक ने, पावलोव ने, हल ने या कोहलर ने? तो अधिगम का उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद सिद्धांत है ये दोस्तों हल ने दिया था। किसने दिया था? सी एच हल ने। अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत दोस्तों जीन प्याजे, ब्रूनर और अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत। इसके अलावा देखिए दोस्तों सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में उद्देश्य, सूझ, समझ, बुद्धि की भूमिका पर अधिक बल प्रदान करते हैं। गेस्टाल्टवादी उद्देश्यपूर्ण, देखिए गेस्टाल्टवादी उद्देश्यपूर्ण अन्वेषणात्मक और रचनात्मक प्रतिक्रिया पर बल देते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 26 नंबर है, अंतर्दृष्टि पैदा होने के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अंतर्दृष्टि अचानक पैदा होती है, बिल्कुल सत्य है। सूझ अचानक पैदा होती है। अंतर्दृष्टि सही प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर करती है, बिल्कुल। यदि अपना प्रत्यक्षीकरण सही नहीं है तो अंतर्दृष्टि सही नहीं हो सकती, मतलब इनसाइट नहीं आ सकती। अंतर्दृष्टि तब पैदा होती है जब व्यक्ति किसी परिस्थिति के विभिन्न अंगों के बीच संबंध देख लेता है, बिल्कुल सही बात है। अंतर्दृष्टि धीरे धीरे पैदा होती है, बिल्कुल गलत है, तो डी हो जाएगा। 27 नंबर है, निम्न में से कौन सा क्रिया पुरुषोत्त व्यवहार नहीं है? कांटा लगने पर पैर हटाना, हाथ पैरों का चलाना, भोजन करना, खड़े होकर इधर उधर चहलकदमी करना। तो इसका देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं है। कांटा लगने पर पैर हटाना, दोस्तों कांटा लगने पर पैर हटाने में उद्दीपक यानी कांटा लगना ज्ञात है, तथ्य पैर हटाना अस्वैच्छिक क्रिया है, जबकि अन्य विकल्पों में उद्दीपक ज्ञात नहीं है तथा क्रिया स्वैच्छिक हो रही है, अर्थात कार्य करने का कारण ज्ञात नहीं है। दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है ये दोस्तों स्किनर मोदे ने चूहों पर किया था। किस पर? स्किनर मोदे ने चूहों पर किया था। ये जो थ्योरी है दोस्तों इसमें उद्दीपक है ये ज्ञात नहीं था। क्या था? यहाँ चूहे छोड़ दिए दोस्तों, यहाँ एक ऐसी भूल भुलैया सी बना दी, उसमें बहुत सारे रास्ते थे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कुछ एक पर तो भोजन रखे हुए थे और कुछ एक पर भोजन नहीं थे। यहाँ से चूहे दोस्तों चूहों को छुड़ा गया, जैसे चूहे जाते हैं तो कुछ को तो भोजन मिलता है, कुछ ऐसे बाहर ऐसे सीधे निकल जाते हैं। जिनको भोजन मिला, प्रोत्साहन मिला, तो वो दोस्तों दोबारा उनको छोड़ते हैं तो वो सोचते हैं कि भोजन मिलेगा, वो दोबारा दोस्तों तेज गति से जाते हैं, भोजन मिलता है उनको, तो ठीक है। यहाँ पर दोस्तों उद्दीपक है वो छिपा रहता है, ध्यान रखना, क्रिया प्रसूत अनुबंध में उद्दीपक छुपा रहता है, अज्ञात रहता है पहले, ठीक है, अज्ञात रहता है, ध्यान रखना, अज्ञात रहता है। इसको आरएस में बदल दिया था, एसआर को किसने? स्किनर मोदे ने, यानी रिस्पॉन्स स्टिमुलस, पहले क्रिया करो फिर दोस्तों उद्दीपक स्टिमुलस दो, और थोरनडाइक वगैरह ने पहले स्टिमुलस फिर रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इसको आरएस में बदला था स्किनर मोदे ने, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर दोस्तों कांटा लगने पर पैर हटाना, तो दोस्तों ये तो पता है उद्दीपक, अपन को पता है कांटा लग गया, कांटा लगने के बाद दोस्तों अपन पैर हटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों उद्दीपक पता नहीं होता, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कांटा लगने पर पैर हटाना। 28 नंबर है, निम्न में अनुबंधन का कौन सा प्रकार उद्दीपकों के साथ साथ घटित होने पर आधारित रहकर व्यवहार के परिणामों के प्रभाव पर निर्भर करता है? प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, आभासी अनुबंधन, पश्चगामी अनुबंधन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। निम्न में से अनुबंधन का कौन सा प्रकार उद्दीपकों के साथ साथ घटित होने पर आधारित रहकर व्यवहार के परिणामों पर प्रभाव डालता है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक प्रोफेसर बी एफ स्किनर के नियमों के आधार पर एक परीक्षण का निर्माण कर रहा है, संपर्क जो कि इस परीक्षण के केंद्र पर होगा वह कौन सा? सूझबूझ, अनुकरण, अस्तित्व का कारण या पुनर्बलन अनुसूचियां? तो दोस्तों पुनर्बलन अनुसूचियां हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी। 30 नंबर देखिए दोस्तों, निम्न में से किस में ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों या पूर्विकता से शक्तिशाली या कमजोर होता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, सूझ अधिगम या स्वत्य अधिगम? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों व्याख्या, हाथ पैर आदि का चलाना, दौड़ना, बच्चे द्वारा एक खिलौने को छोड़कर दूसरे को खेलने के लिए लेना, खड़े होकर इधर उधर चहलकदमी करना,
स्वैच्छिक व्यवहार पुनर्बलन होने के निमित्त है। भोजन, पानी, धन दौलत, प्रशंसा, धनात्मक पुनर्बलन, बिजली के आघात, अपमान, डांट फटकार आदि से बचना ऋणात्मक पुनर्बलन है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत में पुनर्बलन प्राणी द्वारा की गई प्रतिक्रिया के तुरंत पश्चात दिया जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, बाकी के प्रश्न बाद में करेंगे। ऑपरेशन हो रखा है मेरा, उस वजह से दोस्तों थोड़ा थकान से आ गई है। बाकी के प्रश्न अपन बाद में करेंगे, बाकी मुझे 60 करवाने थे, 60 नहीं करवा पाऊंगा, बाकी 30 कल करेंगे। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन कर रहे थे मनोविज्ञान एवं बाल विकास के 362 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी सीरीज दोस्तों, जिसमें 30 प्रश्न अपन ने हल कर लिए। आज दोस्तों इसमें अपन 31 से लेकर जितने प्रश्न हल कर पाएंगे, 150 जितने कर पाएंगे उतने करेंगे। तो इसमें दोस्तों आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा, तो यह लाइव चैट का ऑप्शन रहेगा दोस्तों, आप सबके जवाब देते रहना, देखते हैं आप कितने सही कर पाते हैं। ये जो 2013 की भर्ती है दोस्तों, उसके सारे के सारे पेपर हैं, यानी उसके प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, करके सीखना का विचार किसने दिया? जॉन डीवी ने, स्किनर ने, मेसलो ने या लेविन ने? करके सीखने का विचार किसने दिया था? तो दोस्तों करके सीखने का विचार है ये जॉन डीवी ने दिया था। किसने? जॉन डीवी, बिल्कुल सही है, जॉन डीवी ने दिया था करके सीखने का विचार। दोस्तों यह समझाऊंगा नहीं मैं आपको, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अपन हल करेंगे, वो 30 अपन इसी कारण हल कर पाए क्योंकि मैं समझा रहा था एक एक को। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, दृश्य श्रव्य सामग्री से? सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, तो दोस्तों सामाजिक अधिगम है ये संपर्क से आरंभ होता है, किससे? संपर्क से। 33 नंबर है, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है सामाजिकता पर, संस्कृति पर, परिवार पर या व्यक्तिगत भिन्नता पर? तो दोस्तों छात्रों में सीखने की योग्यता है ये किस पर निर्भर करती है, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो दोस्तों छात्रों में सीखने की योग्यता है ये व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करती है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की अभिक्षमता, योग्यता, बुद्धि आदि अलग अलग पाई जाती है। इसी तरह प्रत्येक छात्र है उसकी भी अभिक्षमता, अभियोग, अभिरुचि, योग्यता, रुचि, बुद्धि आदि दोस्तों अलग अलग पाई जाती है, जिसके आधार पर वो सीखता है, यानी छात्रों में सीखने की योग्यता व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करती है। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम से प्रत्यक्ष प्रभावित होता है? प्रतिवर्ती क्रिया, विकास, वृद्धि या प्राथमिक अभिप्रेरक? निम्न में से कौन सा अधिगम से प्रत्यक्ष प्रभावित होता है? तो दोस्तों अधिगम से प्रत्यक्ष प्रभावित है वो प्राथमिक अभिप्रेरक होते हैं या प्राथमिक अभिप्रेरणा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम से प्रत्यक्ष प्रभावित होता है? तो प्राथमिक अभिप्रेरणा दोस्तों अधिगम से प्रत्यक्ष प्रभावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट 35 नंबर, अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? वृद्धि, परिपक्वता या अभिप्रेरणा? तो देखिए दोस्तों अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 36 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर, अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सीधा सही है संवेग, समृद्धि, अधिगम या अभिप्रेरणा। तो अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है? अभिप्रेरणा, रुचि, अधिगमित निशायता या बुद्धि? निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है? तो दोस्तों अधिगम में बाधक कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिगमित निशायता। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है? अधिगम निशायता। 38 नंबर है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? मास्लो, स्किनर या फ्राइड? जल्दी से बताइए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? मेसलो, बांडूरा, स्किनर या फ्राइड? तो दोस्तों सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? बांडूरा ने दिया था। किसने? बांडूरा। नेक्स्ट है, जब व्यक्ति दूसरे को कुछ कार्य करते हुए देख वह कार्य करना सीखता है तो वह क्या कहलाता है? जब व्यक्ति दूसरे को
कुछ कार्य करते हुए देखकर वह कार्य करना सीखता है तो वो क्या कहलाता है? क्रिया प्रसूत सीखना, प्राचीन अनुबंधन, सूझ द्वारा सीखना या अवलोकन द्वारा सीखना। तो दोस्तों सिंपल सा है, अवलोकन द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, नकल करके सीखना, ये दोस्तों बांडूरा का अधिगम सिद्धांत था। ठीक है, इसको सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 40 नंबर, निम्नलिखित या निम्न में से किस मत के अनुसार बच्चे सिर्फ अनुबंध द्वारा ही नहीं अपितु अन्य व्यवहार को देख कर व अनुकरण करके भी सीखते हैं? प्रयास एवं त्रुटि, सूझ, सामाजिक अधिगम या संबंधवाद। निम्न में से किस मत के अनुसार बच्चे सिर्फ अनुबंधन द्वारा ही नहीं अपितु अन्य व्यवहार को देख कर व अनुकरण करके भी सीखते हैं? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इसे दोस्तों अवलोकन द्वारा सीखना बोलते हैं, नकल करके सीखना, अनुकरण करके सीखना एक ही बात है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पांडूरा। अलग अलग दृष्टि से दोस्तों शब्दावली घुमाकर पूछते हैं, प्रश्न वही आते हैं। 41 नंबर है, अधिगम आधारित होता है अभ्यास पर, प्रशिक्षण पर, अनुभव पर या उपयुक्त पर, या उपयुक्त सभी पर अधिगम आधारित होता है। तो दोस्तों अधिगम है ये अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव तीनों पर आधारित होता है, इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। 42 नंबर है, कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित है? प्रयोजना विधि, डोल्टन विधि, समस्या समाधान विधि या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोजना विधि, है ना दोस्तों, प्रायोजना, प्रयोजना विधि, प्रयोग विधि, एक्सपेरिमेंट, ये दोस्तों करके सीखने पर आधारित है प्रयोजना। ठीक है, प्रयोजना विधि करके सीखने पर आधारित है, इसमें एक उद्देश्य दिया जाता है बच्चों को और उस उद्देश्य पर बच्चों को कार्य करना होता है, यानी एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, उस प्रोजेक्ट पर कार्य करना होता है, तो इसमें बच्चे करके सीखते हैं प्रयोजना विधि में। नेक्स्ट है 43 नंबर, किलपैट्रिक ने कौन सी विधि को प्रतिपादित किया? प्रायोजना, डोल्टन, समस्या समाधान या इनमें से कोई नहीं? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किलपैट्रिक मोदे ने प्रयोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड का प्रतिपादन किया था। 44 नंबर है, अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य बालक में उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना है, यह है, यह परिभाषा किसने दी थी? अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य बालक में उपयुक्त व्यवहार क्रियाओं द्वारा व्यवहार परिवर्तन लाना है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो दोस्तों सीधी सी बात है, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन परिभाषा किसने दी थी? गिलफोर्ड मोदे ने दी थी। तो गिलफोर्ड मोदे का ही कथन है दोस्तों, अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य बालक में उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा उनमें व्यवहार में परिवर्तन लाना है, तो व्यवहार का कारण व्यवहार में परिवर्तन गिलफोर्ड। अनुभव प्रशिक्षण के द्वारा सीखना, वो परिभाषा किसने दी थी? तो वो दी थी दोस्तों गेट्स मोदे ने, वो भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है कहा जाता है? निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है कहा जाता है, अभिप्रेरणा, अधिगम, परिपक्वता या बुद्धि? तो दोस्तों 45 का राइट आंसर है वो हो जाएगा निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों अभिप्रेरणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिप्रेरणा। निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है कहा जाता है अभिप्रेरणा। ठीक है, नेक्स्ट है, आदतों ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है अधिगम, अभिप्रेरणा, संपर्त या रुचि? आदतों ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन, तो ये अधिगम है दोस्तों, आदतों ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन क्या है? अधिगम। नेक्स्ट है दोस्तों 47 नंबर प्रश्न, ब्लू प्रिंट में प्रत्येक प्रश्न को निम्नलिखित में से किसके आधार पर भारांक दिया जाता है? पाठ के उद्देश्य के आधार पर, प्रश्न की कठिनाई स्तर के आधार पर, प्रश्नों के विभिन्न प्रकार या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों ब्लू प्रिंट जो अपन को बीएड में बनाना सिखाया जाता था, तो उसमें दोस्तों प्रत्येक प्रश्न को भारांक किस आधार पर दिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी पाठ के उद्देश्य, प्रश्न की कठिनाई स्तर, प्रश्नों के विभिन्न प्रकार, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 48 नंबर है, सूक्ष्म शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस में किया गया या कहाँ किया गया? अमेरिका में, भारत में, नेपाल में या जर्मनी में? सूक्ष्म शिक्षण, तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका देश में किया गया, कहाँ पर? अमेरिका देश। नेक्स्ट है, उपलब्धि परीक्षण का भाग है मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान,
व्यवहारिक विज्ञान या उपरोक्त में से कोई नहीं उपलब्धि परीक्षण का भाग है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपलब्धि परीक्षण भाग है, तो ये मनोविज्ञान का भाग है दोस्तों उपलब्धि परीक्षण, सीधी सी बात है उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट है 50 नंबर, अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया? बी एफ स्किनर व नॉर्मन क्राउंडर, जॉन डेवी, सर विलियम पैट्रिक या डेविड वार्किक। तो दोस्तों अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन है ये बी एफ स्किनर व नॉर्मन क्राउंडर ने किया था, किसने? नॉर्मन क्राउंडर ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, टैगोर द्वारा किस प्रकार के अनुशासन की अनुशंसा की गई? प्रकृति द्वारा स्वय अनुशासन, अर्जित अनुशासन, दबाव द्वारा अनुशासन या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों 51 का राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति द्वारा स्वय अनुशासन, टैगोर द्वारा इस प्रकार के अनुशासन की अनुशंसा की गई। नेक्स्ट है दोस्तों, किसने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया? मोंटेसरी, ट्रमन, सोरटेन या गेट्स? बालक के प्राकृतिक विकास पर बल किसने दिया था? तो दोस्तों मारिया मोंटेसरी ने दिया था बालक के प्राकृतिक विकास पर बल। नेक्स्ट है, माता की आवाज का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया? ट्रमन, मोंटेसरी, सोरटेन या जॉन डेवी? यानी माता की आवाज का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव, यानी माँ बोल रही है तो नवजात है वो तुरंत पहचान जाता है कि मेरी माँ बोल रही है, ठीक है। तो ऐसा मतलब किसने किया था, ये प्रभाव का प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों टर्मन ने किया था, टर्नर, इसको टर्नर वो टाइप करने में टर्नर है दोस्तों, ठीक है, टर्नर या टर्मन, ठीक है। नेक्स्ट है, जीन में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है? परिभाषित किया सोरटेन, पैट्रिक, वंड्रा या वंडूरा या अवाणिक? जीन में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, ये किसने दी थी परिभाषा? ये सोरटेन मोदे ने दी थी, किसने? सोरटेन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज विरोधी बालक के बारे में सत्य नहीं है? समाज विरोधी बालक का व्यवहार आत्म केंद्रित होता है, समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं, समाज विरोधी बालक में दोष की भावना कम होती है, समाज विरोधी बालक तोड़फोड़ करने वाले होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थ होते हैं, उनके लक्ष्य यथार्थ नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी सारे सही है दोस्तों कथन, समाज विरोधी बालक का व्यवहार आत्म केंद्रित होता है, आत्म केंद्रित यानी उसके मन में आएगी वो करेगा, वो समाज की नहीं सुनेगा, जो उसमें मतलब उसके मन में आएगी वही करेगा। और दोस्तों बालक दोष की भावना इसमें कम होती है, ठीक है, विरोध समाज विरोधी बालक में दोष की भावना कम होती है और समाज विरोधी बालक तोड़ फोड़ करने वाले होते हैं, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगर किसी विद्यार्थी का गणित में उपलब्धि निष्पत्ति औसत से कम है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? गणित के अध्ययन में अपना समय खराब न करने की सलाह दें, विद्यार्थी को उसकी गणित संबंधी कठिनाई का पता लगाने हेतु निदानात्मक परीक्षण दें, अंतर्मन से विभिन्न उदाहरणों द्वारा उसकी समस्या हल करने के लिए प्रोत्साहित करें, समस्या के विचार विमर्श के लिए माता पिता को बुलाएं। तो क्या करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्यार्थी को उसकी गणित संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने हेतु निदानात्मक परीक्षण करें। दोस्तों दो चीज़ें होती है, एक तो होता है निदान, एक होता है उपचार। निदान का मतलब होता है दोस्तों कारण जानना। यहाँ एक विद्यार्थी गणित में कम अंक ला रहा है, यानी उपलब्धि निष्पत्ति उसकी औसत से कम है, तो अध्यापक को पता लगाना चाहिए कि इसके नंबर कम क्यों आ रहे हैं, कारण क्या है कि ये मतलब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। तो कारण जानना होता है दोस्तों, डायग्नोसिस करना, निदान करना, ठीक है, और उपचार बाद की बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट है 57 नंबर, ICEM द्वारा उद्देश्यों का वर्गीकरण और मानसिक प्रक्रियाएं निम्न है। तो देखिए दोस्तों, ज्ञान, समझना, प्रयोग या सृजनात्मकता, ज्ञान, समझना, प्रयोग, सृजनात्मकता, विश्लेषण, ज्ञान, समझना, गुणात्मक विश्लेषण, ज्ञान, सृजनात्मकता, विश्लेषण या रुचिकारक। तो दोस्तों इसका सिंपल सा है, ICEM द्वारा उद्देश्यों का वर्गीकरण मानसिक प्रक्रिया निम्न है, तो इसका ए हो जाएगा ज्ञान, समझना, प्रयोग और सृजनात्मक। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर है, एडियास्कोप उदाहरण है दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, प्रासरम सामग्री या अपश्रव्य सामग्री? तो दोस्तों एपीडियास्कोप है ये दृश्य सामग्री का उदाहरण है, ठीक है,
ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल है दोस्तों, ये दृश्य सामग्री का उदाहरण है। नेक्स्ट है गुण सितंबर, विज्ञान के विद्यार्थियों की कमजोरी पहचानने का तरीका है, निदानात्मक कार्य, प्रयोगात्मक कार्य, सृजनात्मक कार्य या आध्यात्मिक कार्य। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कमजोरी जानना, बच्चे का कारण जानना, वो होता है निदान। तो दोस्तों निदानात्मक कार्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 60 नंबर, निम्न में से कौन सा एक वाद शिक्षा मनोविज्ञान नियम पर आधारित है, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक वाद शिक्षा के नियम पर आधारित है, तो प्रकृतिवाद है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 61 नंबर, आत्मनिर्भरता शिक्षा का तत्कालीन उद्देश्य होना चाहिए, यह आदर्श वाक्य है, अरविंद घोष, पेस्टालोजी, गांधी जी या प्लेटो। आत्मनिर्भरता शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य होना चाहिए, यह आदर्श वाक्य किसका है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है गांधी जी का। नेक्स्ट है दोस्तों 62 नंबर, सीखने वाले को समक्ष विषय वस्तु उसी समय प्रस्तुत की जाए जब वह मनोवैज्ञानिक से उसे स्वीकार करने हेतु तैयार है, यह सोच क्या कहलाती है, सहजानुभूति, बोध अवधारणात्मक या अनसचुआंग सिद्धांत, परिस्थिति सहभागिता अवधारणा या निरीक्षण पर्यवेक्षक कम अवधारणा। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सीखने वाले को समझ विषय वस्तु उसी प्रकार प्रस्तुत की जाए जब वह मनोवैज्ञानिक से उसे स्वीकार करने हेतु तैयार है, यह सोच क्या कहलाती है, जब वो सहज अनुभूति मतलब करने लगे तब सहजानुभूति बोध अवधारणा कहलाती है। क्या कहलाती है, सहजानुभूति बोध अवधारणा। 63 नंबर है, जब सीखने वाला उपस्थित समस्या के हल में अक्षम आगे नहीं बढ़ पाता, उसे पाठ अथवा टिकड़ी की आवश्यकता होती है, यह मनोवैज्ञानिक अवधारणा है और सहायता करती है। एक विशद पुस्तक परामर्श हेतु कक्षा के अन्य छात्र जो प्रबोधन देश के अधिक अनुभवी एवं विशेष अध्यापक द्वारा या तथ्यों को पुनर्संगठित कर पुनः सोच के प्रयास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तथ्यों को पुनर्गठित कर पुनः सोच के प्रयास, ठीक है। 64 नंबर है दोस्तों, सारांश लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें हैं, शीर्षक लंबे होने चाहिए, सारांश में साहित्यिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, आरंभ में पाठ का सारांश देना चाहिए, पाठ के भावानुसार शीर्षकों का चयन करना चाहिए। तो दोस्तों 64 का राइट आंसर डी हो जाएगा, पाठ के भावानुसार शीर्षकों का चयन करना चाहिए, सारांश लेखन में ध्यान रखने योग्य बात यह है। 65 नंबर है, प्रत्यक्ष विधि के मुख्य मतलब प्रत्यक्ष विधि की मुख्य तकनीक है वार्तालाप, नेतृत्व और मार्गदर्शन की तकनीक, सरल से जटिल एवं मूर्त से लेकर अमूर्त प्रक्रिया, देखो और कहो का निरंतर उपयोग या उपयुक्त सभी। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि है वो वार्तालाप, नेतृत्व और मार्गदर्शन की तकनीक, सरल से जटिल एवं मूर्त से अमूर्त प्रक्रिया और देखो और कहो की ओर निरंतर, इस पर इन सभी पर बल देती है, ठीक है। 66 नंबर है, गृह कार्य संशोधन की विधि है, शिक्षक द्वारा संशोधन, स्वयं छात्रों द्वारा संशोधन, परस्पर छात्रों द्वारा संशोधन या उपरोक्त सभी। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, गृह कार्य संशोधन विधि है, शिक्षकों द्वारा संशोधन, स्वयं छात्रों द्वारा संशोधन, परस्पर छात्रों द्वारा संशोधन, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, सीधी सी है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, देखिए अध्यापक विज्ञान विषय का अध्यापन करवा रहा है तथा छात्रों को खनिज दिखाकर प्रश्न पूछता है, इसका रंग कैसा है, यह किस में बना है, तो बताइए वह अध्यापन योजना के किस सोपान पर है। नीचे आपको दिखा देता हूँ मैं ऑप्शन, प्रस्तावना, पुनरावर्ती, मूल्यांकन या विषय चयन। यानी एक अध्यापक है विज्ञान विषय का अध्यापन करवा रहा है और छात्रों को खनिज दिखाकर प्रश्न पूछता है कि इसका रंग कैसा है, यानी उस खनिज का रंग पूछ रहा है वो, तो यह किस में बना है, ठीक है। तो बताइए अध्यापन योजना के अनुसार किस सोपान पर है, प्रस्तावना, पुनरावर्ती, मूल्यांकन या विषय चयन। तो दोस्तों
सीधी सी बात है, वो रंग पूछ रहा है उसका तो प्रस्तावना पर है वो भी, ठीक है, बाद में वो पूरी डिटेल बताएगा। एक बार तो बच्चों से वो जानने की कोशिश कर रहा है कि बच्चे इसके बारे में कितना जानते हैं, ठीक है। 68 नंबर है, मैडम मोंटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस बात पर दिया? ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर, पुनर्बलन के सिद्धांत पर, बुद्धि लब्धि पर, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों मैडम मौर्या मोंटेसरी है, उन्होंने ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर अधिक बल दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, बुद्धि वृद्धि एवं परिपक्वता में क्या संबंध है? वृद्धि एवं परिपक्वता में क्या संबंध है? द्वितीय परिणाम में प्रथम का, प्रथम परिणाम में द्वितीय का, दोनों समान है या दोनों अलग अलग है? तो दोस्तों वृद्धि एवं परिपक्वता है ये द्वितीय परिणाम में प्रथम का, ठीक है। इनमें क्या संबंध है? द्वितीय परिणाम में प्रथम का ये संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 70 नंबर, दृश्य श्रव्य शिक्षण साधनों के प्रयोग के संबंध में आपके क्या विचार हैं? दृश्य श्रव्य साधनों से शिक्षण बिंदु रुचिकर और अधिक बोधगम्य हो जाते हैं, दृश्य श्रव्य साधनों से शिक्षण बिंदु तथा समझने में कठिनाई हो जाती है, दृश्य श्रव्य साधनों से शिक्षण बिंदु आसान तथा समझने में और आसान हो जाते हैं, दृश्य श्रव्य साधनों से शिक्षण शिक्षक द्वारा कक्षा में समय बर्बाद हो जाता है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, दृश्य श्रव्य साधनों से शिक्षण बिंदु रुचिकर और अधिक बोधगम्य हो जाते हैं, ठीक है। यानी क्लास में दोस्तों आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल या जिसे आप बोल सकते हैं कि दिखा करके सुना करके, यानी आप क्लास में एक फिल्म दिखा रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं उसको, सुन भी रहे हैं और वैसे वो आप अध्यापन करवा रहे हैं उनको, तो वो दोस्तों रुचिकर भी होता है, बोधगम्य भी होता है और वो मेमोरी में परमानेंट भी हो जाता है, यानी लॉन्ग टाइम तक वो याद रहता है। 71 नंबर है, अधिगम प्रतिक्रिया में छात्रों को अंतर्ग्रस्त करने के लिए आप क्या करेंगे? शिक्षण सामग्री का स्वयं उनसे उपयोग करवाएंगे, शिक्षण सामग्री का शिक्षक उपयोग करेंगे, टूर पर ले जाएंगे, या उपरोक्त सभी? तो 71 का राइट आंसर देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षण सामग्रियों का स्वयं उनसे उपयोग करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 72 नंबर, छात्रों के आचरण को समझने के लिए क्या आवश्यक है? उसके आचरण की आंतरिक और बाह्य शक्तियों को समझना, उसके आचरण पर नज़र रखनी चाहिए, उसे अलग प्रवेश रखना चाहिए, अलग प्रवेश में रखना चाहिए, उसे स्कूल के कमजोर बच्चों के साथ रहने देना चाहिए। तो 72 का राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, उसके आचरण की आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों को समझना चाहिए। 73 नंबर है दोस्तों, प्रभावशाली शिक्षण बनने के लिए, प्रभावशाली शिक्षण बनने के लिए आवश्यक है कि वह अपने शिक्षक है दोस्तों, ये टाइपिंग में मिस्टेक है, प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए आवश्यक है कि वह अपने विषय को अच्छी प्रकार से जानता है, वह अपने विषय से अधिकतम संभव अंतःक्रियाएं करे, उसे शिक्षण विधियों का पूरा ज्ञान हो, उपरोक्त सभी। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी वह अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए, उसे विद्यार्थियों से अधिगमित या अधिकतम संभव अंतःक्रियाएं करे वो, और उसे शिक्षण विधियों का पूरा ज्ञान हो। 74 नंबर है दोस्तों, सुलेख कार्य है सबसे उत्तम पद्धति है लेख सुधार की, होमवर्क की, अभ्यास की, या उपरोक्त सभी? तो लेख सुधार कार्य है ये दोस्तों, सुलेख कार्य सबसे उत्तम विधि किसके लिए दोस्तों? तो लेख सुधार विधि, यानी राइटिंग सुधारने के लिए, लेखन कला सुधारने के लिए सुलेख कार्य सबसे उत्तम पद्धति है। 75 नंबर है, शिक्षण की आवश्यकता है भाषा को शिक्षण की आवश्यकता है भाषा को लिखना सीखने में, खोज के लिए, नौकरी के लिए, स्किल डेवलपमेंट में। तो शिक्षण की आवश्यकता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा को लिखना सीखने के लिए, यहाँ ये होगा दोस्तों, शिक्षण की आवश्यकता भाषा को लिखना सीखने में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों,
यहाँ पर दोस्तों 75 नंबर का राइट आंसर आरपीएससी के द्वारा यही माना गया यानी उस टाइम आरपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। बाकी इसका स्किल डेवलपमेंट मेरे अनुसार स्किल डेवलपमेंट भी हो सकता है, यानी आप शिक्षा दे रहे हो एक बच्चे को, टीचिंग करवा रहे हो, तो बच्चे में स्किल डेवलप करवाने के लिए भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा द्वारा अभिव्यक्त किए जा सकते हैं विचार, संदेश, लिखित सामग्री, और बी है अवसर, सामंजस्य, प्रेम, सी है विचार, अवसर, प्रेम, और डी है स्थानीय बात, सामंजस्य, संदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा द्वारा अभिव्यक्त किए जा सकते हैं विचार, संदेश और लिखित सामग्री। 77 नंबर है, किसी भी विषय पर समालोचनात्मक निष्कर्ष निकाला जा सकता है वाद विवाद प्रणाली से, झगड़े से, प्रेम से, आपसी समझौते से। तो दोस्तों 77 का राइट आंसर हो जाएगा वाद विवाद प्रणाली से। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भाषा शिक्षण में आत्मीकरण की संकल्पना के जन्मदाता हैं मोटिशन, मॉरिसन, वॉटसन, रूसो या फ्लेटो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिसन, ठीक है, भाषा शिक्षण में आत्मीकरण की संकल्पना के जन्मदाता। नेक्स्ट है 79 नंबर, शिक्षण में सर्वे दृश्य सामग्री छात्रों के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण कार्य करती है, यह शिक्षा को जीवंत बनाती है, यह पढ़ाई को उच्च बनाती है, यह शिक्षक को महान बनाती है, कक्षा में एंजॉय करवाती है, सर्वे दृश्य सामग्री। तो दोस्तों सीधी सी बात है, यह शिक्षा को जीवंत बनाती है यानी जीवंत रूप प्रदान करती है, यानी बच्चों को जो आप पढ़ा रहे हो वो दिखा भी रहे हो, तो ये शिक्षा को जीवंत रूप प्रदान करती है। 80 नंबर है दोस्तों, बालक लेखा चित्र तालिका व चार्ट आदि सही व शीघ्रता से बना सकता है व्यवहारगत उद्देश्य का अंग है कौशल, प्रशिक्षण, परिपक्वन या अमूर्तता। यानी बालक, एक बालक है वो क्लास में लेखा चित्र तालिका चार्ट आदि को दोस्तों सही व शीघ्रता से बना सकता है, तो ये व्यवहारगत उद्देश्य का मतलब किसका अंग है, कौशल का, प्रशिक्षण का, परिपक्वन का या अमूर्तता का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कौशल है, ठीक है। नेक्स्ट है 81 नंबर, सूक्ष्म शिक्षण एक प्रविधि है दृष्टि पोषण की, शरीर पोषण की, आत्म पोषण की या मनोदशा की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, सूक्ष्म शिक्षण एक प्रविधि है दृष्टि पोषण की, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 82 नंबर, कंप्यूटर वीडियो डिस्क और वीडियो टेक्स्ट टेक्स्ट की अमुद्रित माध्यम के रूप में कौन के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी किसके लिए प्रयोग किया जाता है, दूरवर्ती, प्रत्यक्षवर्ती, पारदर्शी या सर्वेवर्ती। यानी कंप्यूटर वीडियो डिस्क वीडियो टेक्स्ट की अमुद्रित माध्यम के रूप में मतलब किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरवर्ती। नेक्स्ट है शिक्षण अनुदेशन तथा प्रशिक्षण में शिक्षा तकनीकी के अंतर्गत कौन सा सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, मनोवैज्ञानिक, बाल विकास, शैक्षिक प्रबंध या कुसमायोजन। तो दोस्तों शिक्षण अनुदेशन तथा प्रशिक्षण में शिक्षा तकनीकी के अंतर्गत कौन से सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। 84 नंबर है, ग्राम पंचायत का निर्माण तथा इसके चुनाव प्रकरण का शिक्षण किस विधि द्वारा करवाना चाहेंगे, गतिविधि, प्रचार, चित्रण द्वारा या लेखा विधि द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिविधि द्वारा। नेक्स्ट है 85 नंबर, नाटक किस श्रेणी में आता है, दृश्य श्रेणी, मनोरंजन श्रेणी, भौतिक श्रेणी या फिल्मी श्रेणी। तो दोस्तों नाटक है ये दृश्य श्रेणी में आता है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है 86 नंबर, उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग होना चाहिए छात्रों के मूल्यांकन में, छात्रों के समूहीकरण में, छात्रों के विचारीकरण में, शिक्षक के सुधार में। तो दोस्तों 86 का राइट आंसर हो जाएगा छात्रों के मूल्यांकन में उपलब्धि परीक्षण का उपयोग होना चाहिए। 87 नंबर है, बड़ी कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि है खोज विधि, समस्या समाधान विधि, भ्रमण विधि या कहानी विधि। तो बड़ी कक्षाओं के लिए दोस्तों श्रेष्ठ विधि कौन सी है, समस्या समाधान विधि है, ठीक है। बाकी दोस्तों ये छोटी कक्षाओं के लिए खोज विधि, भ्रमण विधि, कहानी विधि। नेक्स्ट है दोस्तों 88 नंबर, डॉक्टर ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया किस पर आधारित होनी चाहिए, शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षा प्रणाली पर,
शिक्षक के व्यवहार पर, छात्रों के सीखने पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शिक्षण उद्देश्यों पर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा क्या नहीं है? पद विश्लेषण, इकाई योजना, ब्लूप्रिंट या कुंजी। तो दोस्तों 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इकाई योजना। बाकी दोस्तों सारे ही हैं, उपलब्धि परीक्षण निर्माण प्रक्रिया के हिस्से, पद विश्लेषण, ब्लूप्रिंट, कुंजी। ठीक है, इकाई योजना नहीं है। नेक्स्ट है 90 नंबर, मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार अतृप्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध है नैतिकता से, इदम से, अहम से या प्राअहम से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 90 का हो जाएगा बी, इदम से। यानी जो हमारी अतृप्त इच्छाएं रहती है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, असामाजिक इच्छाएं, उनका संबंध किससे होता है? इदम से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों सीधी सी बात है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? फ्रॉयड, वुंट, स्किनर या पाउलो। तो सिगमंड फ्रॉयड मोदे ने दिया था दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। 92 नंबर, किस अवस्था में आक्रामक व धारणात्मक व्यक्तित्व विकसित होता है? गुद्धा अवस्था, मुखावस्था, लैंगिक अवस्था या अव्यक्तावस्था। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुद्धा अवस्था। क्या हो जाएगा? गुद्धा अवस्था। नेक्स्ट है, हमारे मस्तिष्क का कितना भाग चेतन तथा कितना भाग अचेतन होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का ए और बी दोनों ही हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बताऊं? तो दोस्तों अचेतन मन है ना व्यक्ति का, वो होता है दोस्तों 1/10 मस्तिष्क का, 1/10 भाग होता है चेतन। ठीक है, चेतन मन है ये 1/10 होता है, और दोस्तों जो अचेतन है वो 9/10। मैंने पहले आपको अचेतन बता दिया था क्या? ये चेतन, ठीक है, 1/10 है वो चेतन भाग होता है मस्तिष्क का, और 9/10 है वो अचेतन मन होता है दोस्तों। और जो चेतन मन है इसका संबंध दोस्तों वर्तमान से होता है, यानी ये मस्तिष्क की जागृत अवस्था बोल सकते हैं इसको। और अचेतन मन है दोस्तों, ये दोस्तों इसमें दमित भाव रहते हैं अचेतन में, और अचेतन है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। याद रखना, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा 9/10 भाग अचेतन। यानी सिगमंड फ्रॉयड मोदे ने दोस्तों मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा था, चेतन, अर्ध चेतन व अचेतन। नेक्स्ट है 94 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग युयुत्सा की मूल प्रवृत्ति से संबंधित है? भय, क्रोध, ईर्ष्या या प्रेम? युयुत्सा। तो दोस्तों मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी, उनसे जुड़े हुए 14 प्रकार के संवेग बताए थे। तो युयुत्सा दोस्तों, युयुत्सा क्रोध प्रवृत्ति और युद्ध एक ही बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युयुत्सा, युद्ध प्रवृत्ति, क्रोध। नेक्स्ट है, फ्राइड ने व्यक्तित्व को बांटा है के रूप में, इदम, अहम, परम अहम, अहम, इदम, परम अहम, परम अहम, अहम, इदम के रूप में, परम अहम, इदम, अहम के रूप में। तो दोस्तों सीक्वेंस पूछा है, इसका क्रम पूछा है, तो इदम, अहम और परम अहम के रूप में बांटा है इड, इगो एंड सुप्रे को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो कि वास्तविक नियम पर आधारित है? प्राअहम, इदम, अहम या लिबिडो। तो दोस्तों सीधी सी बात है, वास्तविकता पर आधारित। निम्न में से व्यक्तित्व का कौन सा भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है और जो वास्तविकता पर आधारित है वो है दोस्तों अहम। क्या है? अहम। नेक्स्ट है दोस्तों, व्यक्तित्व का कौन सा भाग समाज के नैतिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर विकसित किया जाता है या विकसित होता है? इदम, अहम, प्राएम या लिबिडो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का सी, प्राअहम है ये दोस्तों। नैतिकता से संबंध होता है दोस्तों परम अहम, इसको दादा बोल सकते हैं अपन, परम अहम। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की ओर जाता है? मुख्य, लैंगिक, गुदीय या प्रसुप्त। यानी सिगमंड फ्रॉयड ने जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था उसके अनुसार पूछा जा रहा है दोस्तों। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा बी, लैंगिक अवस्था में दोस्तों बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। नेक्स्ट है, फ्रॉयड के अनुसार किस अवस्था में कामेच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुख्य अवस्था, लैंगिक अवस्था, गुदीय अवस्था या प्रसुप्ति अवस्था। तो दोस्तों फ्रॉयड के अनुसार किस अवस्था में कामेच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती है? मुख्य, लैंगिक, गुदीय या प्रसुप्ति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक अवस्था। नेक्स्ट है 99 नंबर दोस्तों, फ्रॉयड के अनुसार किस अवस्था में कामेच्छा सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती है? यही छोड़ा था ना मैंने, हाँ, मुख्य, लैंगिक, गुदीय या प्रसुप्ति।
तो दोस्तों फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में कामेच्छा सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसुप्ति अवस्था। प्रसुप्ति अवस्था इसको शांत अवस्था भी बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार ग्रह है? इदम अहम या परम अहम या सूक्ष्म अहम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 का ए इदम। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार ग्रह है? तो इदम हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न। आज मैंने आपको 70 क्वेश्चन कराए हैं, आप देखना आप कितने सही कर पाए हैं। मैंने बहुत फास्ट करवाया दोस्तों, लेकिन आई होप आप जवाब दे पाए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन कर रहे थे मनोविज्ञान एवं बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि थर्ड ग्रेड 2013 की भर्ती में आए हुए हैं, या अलग अलग जिलों के अनुसार जो पेपर हुए उन सब के प्रश्न है दोस्तों। 100 प्रश्न मैंने हल करवा दिए हैं आज, 101 से लेकर अपने जितने प्रश्न हल हो पाएंगे उतने करेंगे। तो यहाँ लाइव चैट का ऑप्शन रहेगा, आप उत्तर देना अपने और देखना आप कितने सही कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, 101 नंबर। अहम का कार्य है नैतिक आचार संहिता निर्धारित करना, इदम व वास्तविकता के बीच समन्वय की भूमिका निभाना, अतृप्त इच्छाओं का भंडारण करना, हमारी सुखानुभूति की प्रवृत्तियां की सामाजिक मानकों की प्रवाह किए बगैर तृप्त करना। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं बताता हूँ अहम का कार्य क्या है। तो दोस्तों अहम का कार्य है इदम व वास्तविकता के बीच समन्वय की भूमिका निभाना। याद रखना, अहम का मुख्य कार्य इदम व वास्तविकता के बीच समन्वय की भूमिका निभाना है। नेक्स्ट है 102 नंबर, शेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया? यानी दोस्तों जो व्यक्तित्व के वर्गीकरण है उसमें शेल्डन ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया वो किस आधार पर था? शारीरिक रचना, शील गुण, त्वचा एवं बालों के रंग या सामाजिकता? तो दोस्तों सीधा सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए शारीरिक रचना। क्रेचमर ने भी दोस्तों शारीरिक रचना के आधार पर दिया था। क्रेचमर ने 4 टाइप के व्यक्तित्व बताए थे, शेल्डन ने 3 टाइप के बताए थे। ठीक है, 103 नंबर है, एक व्यक्ति जो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और किसी से मिलने या बात करने से मना कर देता है, वह रक्षा युक्ति काम में ले रहा है। यानी कौन सी रक्षा युक्ति काम में ले रहा है वो? यानी एक व्यक्ति अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और किसी से मिलने के लिए मना कर देता है, वह कौन सी रक्षा युक्ति है? विस्थापन, तार्किकरण, प्रक्षेपण या पलायन? तो दोस्तों वो पलायन कर रहा है। क्या कर रहा है? पलायन कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पलायन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 104 नंबर, खुला बंद व चित्रात्मक प्रकार है प्रक्षेपण विधि के, प्रयोगात्मक विधि के, प्रश्नावली विधि के या केस अध्ययन विधि के? तो दोस्तों प्रश्नावली विधि है वो कई प्रकार की होती है, जिसमें खुली प्रश्नावली, चित्रात्मक प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली। तो दोस्तों ये प्रश्नावली विधि के प्रकार है, डाक प्रश्नावली भी होती है दोस्तों। नेक्स्ट है 105 नंबर, अंतर्दर्शन विधि में अवलोकन किया जाता है दूसरों का, पशुओं का, स्वयं का या स्थिति का? तो दोस्तों इंट्रोस्पेक्शन मेथड में किसका अवलोकन किया जाता है? खुद का ही किया जाता है। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन अंतर्दर्शन, इसमें खुद का ही निरीक्षण किया जाता है दोस्तों, निरीक्षण की विधि है। नेक्स्ट है असमायोजन परिणाम है कुंठा का, तनाव का, संघर्ष का या उपरोक्त सभी का? तो दोस्तों असमायोजन है ये कुंठा, तनाव, संघर्ष सभी का परिणाम है दोस्तों। नेक्स्ट 107 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक समेकित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषता नहीं है? उसका एक ही मूल्य मापक्रम होता है, उसका सही आत्म प्रत्यय होता है, उसका जीवन के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण होता है, वह साधनों की अपेक्षा साध्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। तो समेकित व्यक्तित्व की बात हो रही है, तो दोस्तों वह साधनों की अपेक्षा साध्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 108 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी
विधि में एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है। प्रयोगात्मक विधि, केस अध्ययन विधि, अवलोकन विधि या क्षेत्र अध्ययन विधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केस स्टडी, केस अध्ययन विधि, यानी एक ऐसी विधि जिसमें दोस्तों एक व्यक्ति का गहन अध्ययन किया जाता है, यानी केस स्टडी होती है। दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई समस्या आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उस समस्या का एक काल्पनिक हम उत्तर ढूंढ लेते हैं पहले, ठीक है, फिर उसके आधार पर दोस्तों पूरा केस विवरण तैयार किया जाता है। केस विवरण में क्या करते हैं, जब वो बंदा गर्भावस्था में आता है तब से लेकर के वर्तमान तक की उसकी पूरी डिटेल ली जाती है, उसके परिवार से, उसके आस पड़ोस से, उस खुद से पूछा जाता है उसके बारे में, कहाँ कहाँ उसके मतलब उसके व्यवहार में मतलब गड़बड़ हुई है उसके बारे में भी पता लगाया जाता है। फिर पता लगाया जाता है कि वर्तमान समस्या का रीजन कहाँ से उठा है, फिर उसकी समस्या का समाधान किया जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों केस स्टडी होती है, केस अध्ययन विधि। नेक्स्ट है 109 नंबर, CAT मापता है व्यक्तित्व, यानी चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट है दोस्तों, व्यक्तित्व, बुद्धि, परिपक्वता या सृजनात्मकता। तो दोस्तों CAT है, चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट है, ये व्यक्तित्व को मापने का एक परीक्षण है। नेक्स्ट है दोस्तों 110 नंबर, कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोजनों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है। कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों, प्रयोज्य दोस्तों सब्जेक्ट को बोलते हैं जिसके ऊपर प्रयोग किया जाता है, का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है। समकालिक अध्ययन विधि, जीवन लेखन विधि, दीर्घकालिक अध्ययन विधि या समाजमिति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा समकालिक अध्ययन विधि। नेक्स्ट है, अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के व्यक्तित्व को युंग ने क्या नाम दिया। तो दोस्तों जो अत्यधिक बोलता हो, प्रसन्नचित रहता हो, सामाजिक प्रवृत्ति का हो, तो वो दोस्तों बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट, उसको युंग ने नाम दिया। युंग का दोस्तों वर्गीकरण है, उसके आधार पर युंग ने दो प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे, एक तो इंट्रोवर्ट और एक एक्सट्रोवर्ट। तो दोस्तों बाद में चल करके इनके दो शिष्य थे न्यूमैन और मेरी, ठीक है, न्यूमैन और मेरी ने दोस्तों बताया कि कोई भी व्यक्ति है, क्योंकि दोस्तों कोई भी व्यक्ति एक समय में ना तो अंतर्मुखी होता, ना ही बहिर्मुखी होता, उसकी परिस्थिति उसे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बना देती है। तो एक व्यक्ति है वो उभयमुखी होता है, यानी जहाँ उसको जरूरत हो वहाँ अंतर्मुखी होता है, जहाँ जरूरत हो वहाँ बहिर्मुखी होता है। तो न्यूमैन और मेरी इनके शिष्य थे दोस्तों युंग के। इन्होंने दोस्तों तीसरा प्रकार दिया था एम्बीवर्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना उभयमुखी भी एक प्रकार होता है व्यक्तित्व का। नेक्स्ट है 16 PA पर्सनावली किसने बनाई, यानी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, आलपोर्ट ने, शेल्डन ने, क्रेचबर ने या केटल ने। तो दोस्तों सीधा सही है 16 PF, ये स्केल बनाई थी, पर्सनावली बनाई थी केटल ने व्यक्तित्व के मापन के दोस्तों ये। नेक्स्ट है आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है अपूर्व समायोजन, गत्यात्मक संगठन, संगठित, मनोधयिक या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाए, उपरोक्त सभी। आलपोर्ट महोदय ने दोस्तों व्यक्तित्व की सबसे अच्छी परिभाषा दी थी। इन्होंने कहा था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति के वातावरण के साथ उसके अद्वितीय समायोजन को बनाता है या संगठित करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चार, ये नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 114 नंबर, बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया, यानी वो ये दोस्तों CAT चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट, मर्रे, बेलक, रॉबर्ट या रोजेनविंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलक ने किया था दोस्तों CAT यानी चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट का निर्माण। नेक्स्ट है दोस्तों 115 नंबर, व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है व्यक्ति इतिहास विधि, क्रम निर्धारण मापनी, रोषांग परीक्षण या शब्द शास्त्रीय परीक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यक्ति इतिहास विधि, व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है दोस्तों व्यक्ति इतिहास विधि। मैंने बताया भी था दोस्तों केस स्टडी। नेक्स्ट है दोस्तों, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका मूल्य है, आदत है, व्यक्तित्व है या मानदंड है। तो दोस्तों कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका क्या है, व्यक्तित्व है, उसकी पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट 117 नंबर, तनाव कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग कौन सा है, उदात्तीकरण,
दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, रुकावट को दूर करना, विश्लेषण और निर्णय। तो दोस्तों तनाव कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उदात्तीकरण है, ठीक है, अप्रत्यक्ष ढंग है दोस्तों। नेक्स्ट है व्यक्ति, तो व्यक्ति के मनोशारीरिक पद्धतियों का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है, परिभाषा किसने दी। तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा, मैंने ऊपर आपको बोलकर बताया भी थी, आलपोर्ट मोदे की परिभाषा है, व्यक्तित्व की परिभाषा है। नेक्स्ट है 119 नंबर, पास अलोंग टेस्ट का निर्माण किसने किया, अलेक्जेंडर, मॉर्गन, बिनेट या टेलर। तो दोस्तों पास अलोंग टेस्ट है, इसका निर्माण किसने किया था, अलेक्जेंडर ने किया था। किसने, अलेक्जेंडर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 120 नंबर, किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में प्रयोज्य स्वयं प्रपत्र भरता है, प्रश्नावली, क्यू सॉर्ट, अनुसूची या अवलोकन। किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में प्रयोज्य स्वयं प्रपत्र भरता है, तो दोस्तों प्रश्नावली में भरता है, इसका राइट आंसर प्रश्नावली हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक छोटा बालक जिसे उसके एक साथी ने पीटा है, घर लौटने पर उसके छोटे भाई को वो लात मारता है, यानी स्कूल में एक बच्चे को उसके दोस्त ने पीट दिया, वह आकर के गुस्सा अपने छोटे भाई पर निकालता है, यह बालक जो प्रतिरक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन, प्रतिगमन, प्रक्षेपण, युक्तिकरण। अपन बोलते हैं ना कि कुमार को कुमारी पर तो जोर चाले को नहीं, गद्दिए का कान मरोड़े, तो स्कूल में तो मारी जी को नहीं, सागर है छोरे गए घरे आ गया आपके भाई के मारे, तो ये क्या है, प्रतिस्थापन है, प्रतिगमन है, प्रक्षेपण है या युक्तिकरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिस्थापन है दोस्तों। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का प्रकार ए प्रस्तावित किया, यंग ने, एडवर्ड ने, आइजेंक तथा केटल ने, फ्रीडमैन तथा रोशनमैन ने, या रोजेनविंग है दोस्तों ये, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्रीडमैन व रोजेनमैन ने, ठीक है। नेक्स्ट है रोजेनविंग परीक्षण करता है तार्किक चिंतन का, व्यक्तित्व का, सृजनात्मकता का या कुंठा का, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व का करता है दोस्तों। नेक्स्ट है 124 नंबर, लियोपोल्ड बेलक ने निम्न में से किस परीक्षण को विकसित किया, CAT, TTCT, MBTI या DAT। तो दोस्तों CAT का किया था, चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट। नेक्स्ट 125 नंबर, प्रक्षेपण विधि द्वारा किस का अध्ययन किया जाता है, अचेतन मन का, अचेतन अभिप्रेरणा का, बुद्धि का या सृजनात्मकता का। तो दोस्तों 125 का राइट आंसर हो जाएगा अचेतन अभिप्रेरणा का। किसका, अचेतन अभिप्रेरणा। यानी दोस्तों प्रक्षेपण का अर्थ होता है थोपना, क्या होता है थोपना। इसमें दोस्तों व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए, यहाँ व्यक्तित्व आना था दोस्तों लेकिन टाइपिंग में कोई मिस्टेक है शायद, यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए प्रक्षेपण विधि के द्वारा क्या किया जाता है, उसके अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। यानी मैं आपको बोलता हूँ कि ये आपके सामने एक चित्र है, ठीक है, इसके ऊपर आप कहानी लिखो, इस चित्र पर मैं आपसे कहानी लिखवा रहा हूँ, इसके भूतकाल से लेकर आज तक की कहानी लिखो, तो आप इस पर कहानी लिखते लिखते ना आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप अपने बारे में लिखने लग गए, और आप अपने बारे में पूरा लिख देंगे, यानी अपना अचेतन आप प्रकट कर देंगे। यानी आप इस चित्र पर नहीं लिख रहे हैं, आप अपने बारे में लिख रहे हैं, समझ रहे हो। तो इस तरह से दोस्तों प्रक्षेपण विधि के द्वारा व्यक्ति के अचेतन को प्रकट करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 126 नंबर, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने दिया, कोहलबर्ग, लियोपोल्ड बेलक, ऑलपोर्ट या एडलर। तो दोस्तों 126 का राइट आंसर हो जाएगा कोहलबर्ग ने दिया था नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत। 127 नंबर है दोस्तों, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारिवारिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है, पश्च पारंपरिक, अगर पारंपरिक, भविष्य पारंपरिक या पूर्व पारंपरिक। तो दोस्तों पश्च पारंपरिक हो जाएगा। नेक्स्ट 128 नंबर, व्यक्तित्व को
उसकी सामाजिक व्यवहार के आधार पर अंतर्मुखी बहिर्मुखी वर्गों में किसने विभाजित किया, केटल, यूंग, ओलपोर्ट या ब्रूनर? तो दोस्तों सीधा सा मैंने पीछे बता भी दिया, यूंग या जुंग महोदय ने। 129 नंबर है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है प्रक्षेपी विधियों द्वारा, अवलोकन विधियों द्वारा, साक्षात्कार द्वारा या आत्मकथा विधि द्वारा? तो दोस्तों इसका सीधा सा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है प्रक्षेपी विधियों के द्वारा। किसके द्वारा? प्रक्षेपी विधियों। 130 नंबर है, नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन कहलाता है प्रश्नावली, प्रयोग, सर्वेक्षण या चेकलिस्ट? तो दोस्तों 130 का राइट आंसर हो जाएगा प्रयोग कहलाता है। दोस्तों नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? प्रयोग कहलाता है। प्रयोग में दोस्तों सब कुछ कंट्रोल्ड रहता है, हम क्या कहते हैं जो सब्जेक्ट होता है इसमें सब्जेक्ट बोलते हैं दोस्तों, एक्सपेरिमेंटर यानी प्रयोगकर्ता, और जिस पर प्रयोग कर रहे हैं उसको दोस्तों सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, प्रयोज्य। और दोस्तों जो परीक्षण होते हैं ये बाकी सारे परीक्षण है, प्रश्नावली, सर्वेक्षण, ठीक है, चेकलिस्ट, इसमें दोस्तों टेस्ट ही बोलते हैं परीक्षार्थी। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट को एक लैब में ले जाया जाता है, लैब में ले जा करके चारों ओर का जो वातावरण होता है दोस्तों उसको कंट्रोल्ड किया जाता है, यानी शोर नहीं आ रहा हो, कहीं से धुआं नहीं आ रहा हो, लाइट की उपयुक्त व्यवस्था हो, मतलब उसको बिल्कुल नॉर्मल फील करवाया जाता है वहाँ पर, और उसके बाद दोस्तों प्रयोग कार्य है वो शुरू किया जाता है। तो ये दोस्तों कंट्रोल्ड दशा में किया जाता है, यानी सारे जो वेरिएबल होते हैं, स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, आश्रित चर, जितने भी चर होते हैं दोस्तों, 3-4 प्रकार के जो चर हैं उनको दोस्तों क्या किया जाता है, कंट्रोल में रखा जाता है, ठीक है, और एक चर का दूसरे चर पर प्रभाव देखा जाता है। 131 नंबर है, सामूहिक अचेतन का संपर्क किसने दिया, यूंग ने, फ्राइड ने, एडलर ने या हॉर्नी ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यूंग ने दिया था दोस्तों, सामूहिक अचेतन का संपर्क किसने दिया था, यूंग ने। नेक्स्ट है, ईमानदारी के मूल्यांकन के लिए एक अध्यापक कृत्रिम वातावरण सृजित करता है जहां बालक पैसे चुरा सकता है, यह उदाहरण है प्रक्षेपण परीक्षण का, परिस्थिति परीक्षण का, या अवलोकन विधि का, या खेल विधि का? तो दोस्तों सीधी सी बात है, ईमानदारी के मूल्यांकन के लिए एक अध्यापक कृत्रिम वातावरण सृजित करके मतलब बालक के सामने से पैसे रखता है, वो मतलब 100 रुपये रख दिए ऐसे टेबल के ऊपर, देखता है वो बच्चे पैसे उठाता है या नहीं उठाता है। तो ये दोस्तों परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण है, ठीक है। और ये दोस्तों मुझे एक वो मेरे अंकल हैं जैसे मिस्त्री हैं, वो बोरर बनवा रहा था मैं उनसे, तो वैसे बोल रहे थे कि जहाँ हम काम करते थे ना जिनके घर में, तो वो बढ़िए वगैरह जो भी होते वो ऐसे डेस्क पर हर जगह ऐसे पैसे वगैरह रख देते थे, 100 रुपये 50 रुपये, देखते थे कि ईमानदार है या नहीं, यानी ये मिस्त्री चोरी तो नहीं करता है, तो मतलब वो टेस्ट लेते हैं। तो ये परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण हो गया, ठीक है। आप भी चेक करते हो दोस्तों, आपके घर में कोई नौकर जैसे काम करने के लिए आता है और आता है, तो आप चेक करते हो, पहले उसका टेस्ट लेते हो, आप भी कम नहीं हो। नेक्स्ट है, वह परीक्षण जिसमें बच्चों को प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक सही रास्ता खोजना होता है, तो ये कूट संकेत, भूल भुलैया या वस्तु संकलन या ब्लॉक निर्माण किसका उदाहरण है? तो ये दोस्तों भूल भुलैया, सीधी सी बात है। वह परीक्षण जिसमें बच्चों को प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक सही रास्ता चुनना होता है, देखिए दोस्तों ये भूल भुलैया है, पोर्टियस ने बनाई थी। इसमें क्या होता है, इस तरह की एक दोस्तों डेस्क होती है, मतलब इसकी लकड़ी की, ठीक है, उस पर क्या होता है दोस्तों ऐसे बिंदु लगे रहते हैं भूल भुलैया में, मैंने दिखाया भी था आपको ये दिन ये। इसमें दोस्तों क्या होता है, नीचे एक वायर लगा रहता है, ठीक है, सही रास्ते का ऐसे वायर लगा रहता है नीचे, ये ऊपर सारी की सारी बत्तियां होती है दोस्तों, रेड रेड कलर की, यूं मान कर चलिए, या ऐसे मतलब कील सी मान लीजिए, ऐसे कील सी होती है दोस्तों, सारी की सारी कील होती है, यहाँ पर एक रेड बत्ती रहती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आप क्या करोगे, जैसे चलोगे, ठीक है, तो यहाँ पर इस बिंदु पर आपने ऐसे वो मतलब स्टार्ट बिंदु रखा तो बत्ती नहीं जगी, मतलब आप सही चल रहे हैं, ऐसे चलते जाओगे इधर चले तो बत्ती जल गई, मतलब गलत रास्ता आ गया। फिर आप दोस्तों धीरे धीरे ऐसे भूल भुलैया में से सीख जाओगे, तो ये पोर्टियस भूल भुलैया है, कभी दिखाएंगे आपको। नेक्स्ट 134 नंबर, पलायन की मूल प्रवृत्ति से निम्नलिखित में से कौन सा संवेग संबंधित है, क्रोध, दुख, भय या आश्चर्य? तो दोस्तों 134 का राइट आंसर हो जाएगा भय। पलायन की मूल प्रवृत्ति से निम्नलिखित में से कौन सा संवेग संबंधित है, तो भय है दोस्तों। मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग और 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। 135 नंबर है दोस्तों, व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि कौन सी है, रोरशाह, शाही दबा परीक्षण,
स्टैंड फॉर विनय परीक्षण, DAT या भाटिया परीक्षणमाला। तो दोस्तों 135 का राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि है रोरशाही दबा परीक्षण। नेक्स्ट दोस्तों प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग या कौन सी सामग्री उपयोगी है, स्याही, धब्बे, चित्र, वाक्य या एकल शब्द। दोस्तों मैंने आपको बताया था TAT थीमेटिक अप्रिसिएशन में एक चित्र के ऊपर आपको कहानी लिखनी होती है, तो चित्र हो जाएगा। 137 नंबर है बच्चे जैसा व्यवहार करना उदाहरण है युक्तिकरण का, प्रतिगमन का, प्रक्षेपण का या विस्थापन का। तो दोस्तों बच्चे जैसा व्यवहार करना यानी आपकी एज है 50 साल 60 साल, आप बच्चे जैसा व्यवहार कर रहे हैं तो आप पीछे लौट गए, प्रतिगमन कर गए। ये दोस्तों युक्तिकरण ही है, ये एक प्रकार की युक्ति है, ठीक है, समायोजन की प्रतिगमन, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों समाजमिति विधि का मापन में प्रयोग किया जा सकता है बुद्धि के, समूह सजगता के, अभिक्षमता के या रुचि के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 138 का हो जाएगा समूह सजगता के, क्या हो जाएगा समूह सजगता। नेक्स्ट है दोस्तों कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की, जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक, जन्म से युवावस्था तक। तो दोस्तों 139 का राइट आंसर हो जाएगा जन्म से मृत्यु तक एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था दोस्तों इन्होंने। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है जो ये भावनाओं की ओर ले जा सकता है। तो दोस्तों 3 से 6 वर्ष तक, ठीक है। नेक्स्ट है 141 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों की संवेगों की विशेषता है, ये क्षणिक होते हैं, ये तीरों नहीं होते, ये व्यवहार में परिलक्षित नहीं होते, ये लंबे समय तक रहते हैं। तो दोस्तों 141 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बच्चों के संवेग दोस्तों क्षणिक होते हैं, थोड़ी देर में रोने के बाद वापस वैसे ही हो जाते हैं। नेक्स्ट 142 नंबर कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारिवारिक मूल्यों एवं समाज नियमों पर आधारित होता है। तो दोस्तों पश्च पारंपरिक हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पश्च पारंपरिक, या आ गया दोस्तों ये प्रश्न। 143 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा संवेग के बारे में सत्य नहीं है। तो दोस्तों देखिए बालकों के संवेग लक्षणों से आसानी से पहचाने जा सकते हैं, बालकों के संवेग वयस्कों की तुलना में कम क्षणिक होते हैं। तो दोस्तों सीधा सा इसका डी हो जाएगा, बालकों के संवेगों में तीव्रता वयस्कों की तुलना में अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा चोरी का कारण हो सकता है, आवश्यकता, अभिभावकों का नियंत्रण व अनुशासन, अज्ञानता या आदत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिभावकों का नियंत्रण व अनुशासन, ये कारण नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा चोरी का कारण नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, बाकी आदत हो सकती है, आवश्यकता हो सकती है, अज्ञानता हो सकती है। 145 नंबर है मानसिक आरोग्य विज्ञान से तात्पर्य है संतुलित एवं व्यवस्थित व्यक्तित्व का निर्माण, संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण, व्यवस्थित व्यक्तित्व का निर्माण या असंतुलित एवं अव्यवस्थित व्यक्तित्व का निर्माण। तो दोस्तों 145 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों, सीधा से संतुलित एवं व्यवस्थित व्यक्तित्व का निर्माण मानसिक आरोग्य विज्ञान से तात्पर्य है। नेक्स्ट है दोस्तों भग्नाशा या कुंठा, भग्नाशा को कुंठा बोलते हैं दोस्तों, एवं मानसिक द्वंद के कारण है। दोस्तों द्वंद होता है, मानसिक द्वंद होता है दोहरी स्थिति, यानी एक इसमें दो स्थितियां आ जाए, आपको एक स्थिति चुननी हो। भग्नाशा या कुंठा दोस्तों यानी आप बार बार असफल हो रहे हैं, आप लक्ष्य के पास जा रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप दोस्तों कुंठित हो जाओगे, कुंठा आप में घर कर जाएगी, ठीक है। तो ये किसके कारण है, जैविक एवं भौतिक कारण, स्वेगात्मक कारण, सामाजिक कारण या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों, इसके जैविक या भौतिक। इसकी अगली क्लास दोस्तों अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि 700 प्रश्न है दोस्तों, कई पार्ट इसके बनेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगा। आज की क्लास आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताना।